हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एथलेटिक्स, कि एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं और उसमें कौन किस किस तरह की रेसेस होती हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में हम एथलेटिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो जैसा कि हमें बताया कि एथलेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है हमारा ट्रैक और रनिंग इवेंट होता है और दूसरा इवेंट होता है हमारा फील्ड इवेंट। एथलेटिक्स में ये दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रैक और रनिंग इवेंट होता है और दूसरा जो होता है फील्ड इवेंट। जितनी भी हमारी रनिंग होती है वो ट्रैक और रनिंग इवेंट के अंदर होते हैं, जितनी भी हमारी थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट होते हैं वो हमारे फील्ड इवेंट के अंदर होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ट्रैक और रनिंग इवेंट में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है ट्रैक और रनिंग इवेंट, इसमें हमारा जो पहला इवेंट होता है वो है हमारी स्प्रिंट रेस। मिडिल रेस थर्ड जो होती है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रेस। फोर्थ होती है हमारी पांचवी होती है हमारी क्रॉस कंट्री रेस। तो गाइस, जो हमारा पहला इवेंट है ट्रैक और रनिंग इवेंट, इसमें कई सारे इवेंट होते हैं। तो पहला जो हमारा इवेंट है स्प्रिंट रेस, मिडल रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस, वॉकिंग इवेंट, क्रॉस कंट्री रेस और मैराथन रेस। ये छह टाइप्स की जो रेसेस होती हैं इसमें कई सारे इवेंट होते हैं। तो देखते हैं जो कौन कौन से इवेंट होते हैं। जो पहली है हमारी स्प्रिंट रेस, स्प्रिंट रेस को ही हम शॉर्ट रेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारी होती है 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर हर्डल फॉर वुमेन, 110 मीटर हर्डल फॉर मैन, 400 मीटर हर्डल फोर इंटू 100 मीटर रिले एंड 100 रनिंग इवेंट में जो हमारा पहला टॉपिक है स्प्रिंट रेस, इसको शॉर्ट रेस बोलते हैं। तो इसमें इवेंट जो हमारे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल फॉर वुमेन, 110 मीटर हर्डल फॉर मैन, 400 मीटर हर्डल, 4 इंटू 100 रिले एंड 4 इंटू 400 मीटर रिले। जो स्प्रिंट रेस होती है हमारी बहुत ही तेजी से की जाने वाली बहुत फास्टेस्ट रेस होती है, जिसको हम शॉर्ट रेस भी बोलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट इवेंट है वो मिडिल रेस है। इसमें आपको 100 मीटर्स, 1500 मीटर की रेस कंप्लीट की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस में 3000 मीटर, 5000 मीटर,
लॉन्ग डिस्टेंस रेस में 3000 मीटर, 5000 मीटर एंड 3000 स्टेपल चेस रेस की जाती है। वॉकिंग इवेंट में हमारे नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा क्रॉस कंट्री रेस, ये इसमें आपको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होती है। और जो हमारी मैराथन की जो रेस होती है मैराथन रेस, इसमें 42 किलोमीटर्स एंड 195 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की जाती है। तो हम एक बार इसका फिर से हम जान लेते हैं। जो पहला है हमारा ट्रैक और रनिंग इवेंट, ट्रैक और रनिंग इवेंट में हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है स्प्रिंट रेस, इसको हम शॉर्ट रेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे इवेंट होते हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर हर्डल फॉर वुमेन, 110 मीटर हर्डल फॉर मैन, 400 मीटर हर्डल, 4x100 रिले एंड 4x400 रेस है मीटर रेस। इसमें 800 मीटर, 1500 मीटर की रेस कवर की जाती है। जो नेक्स्ट हमारी है लॉन्ग डिस्टेंस रेस, इसमें 3000 मीटर, 5000 मीटर, 3000 मीटर स्टेपल चेस रनिंग कंप्लीट की जाती है। फोर्थ जो कैटेगरी है हमारी वॉक इवेंट, जो 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की जो इवेंट होता है वो उसमें कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी है क्रॉस कंट्री रेस, इसमें 12 किलोमीटर की रेस कंप्लीट की जाती है। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारी जो रेस होती है मैराथन रेस, इसमें 42 किलोमीटर्स एंड 195 मीटर्स डिस्टेंस कवर की जाती है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है फील्ड इवेंट, फील्ड इवेंट में हमारे कौन कौन से इवेंट होते हैं चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो गाइस जो हमारा सेकेंड टॉपिक है फील्ड इवेंट, एथलेटिक्स में जो हमारा सेकेंड टॉपिक है फील्ड इवेंट, फील्ड इवेंट में आप जैसे एथलेटिक्स में जो हमारा सेकेंड इवेंट है फील्ड इवेंट है, फील्ड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा थ्रोइंग इवेंट और दूसरा होता है हमारा जंप इवेंट। तो थ्रोइंग जानते हैं कि थ्रोइंग इवेंट में हमारे कौन कौन से इवेंट होते हैं। थ्रोइंग इवेंट में हमारे जो पहला इवेंट होता है वो हमारा होता है डिस्कस, थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट में पहला टॉपिक है हमारा डिस्कस, शॉट पुट, जेवलिन और हैमर। ये चार तरह के इवेंट होते हैं जो कि फेंकने वाले इवेंट होते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो इवेंट होता है जंप इवेंट, इसमें हमारा लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट यूज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एथलेटिक्स में दो तरह के इवेंट होते हैं। पहला इवेंट जो होता है ट्रैक और रनिंग इवेंट होता है और दूसरा जो हमारा होता है फील्ड इवेंट। तो फील्ड इवेंट को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है। थ्रोइंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट में डिस्कस, शॉट पुट, जैवलिन और हैमर होता है। और हमारा जो नेक्स्ट इवेंट जंप होता है, जंपिंग इवेंट, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। इस वीडियो में हमने आपको आज बताया कि इसमें एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो एथलेटिक्स इवेंट हमने बता दिए कौन कौन से इवेंट होते हैं। इसकी जो आगे वाले और भी आने वाली सीरीज़ हैं वो आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो आप इसको रीड करिए। अभी भी आप एथलेटिक्स के इवेंट में जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो आपको इस तरह किस तरह तैयारी करनी होती है। आपको आगे आने वाले वीडियो को बताएंगे एथलेटिक्स के अंदर और कौन कौन से इवेंट होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरह यूज़ होती हैं। आपको हम पूरा ट्रैक बनाकर दिखाएंगे कि प्रॉपर एक जो एथलेटिक्स का ग्राउंड होता है वो किस तरह ग्राउंड होता है, उसमें कहाँ से रेस स्टार्ट होती है और कहाँ से रेस फिनिश होती है, और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको हम ये एथलेटिक्स के अंदर बताते जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।